हाय एवरीवन, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्विन प्रेगनेंसी को लेकर। ट्विन प्रेगनेंसी पे मेरा बहुत पहले एक वीडियो आया था कि उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत अच्छी एक सुखद जर्नी होती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि जिनके पेट में दो बच्चे हैं, डबल ट्रबल यानी कि दो बच्चे पेट में लेके आप घूम रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। क्यों होता है, कितने तरह के ट्विन्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड होती है, जरूरी नहीं सबको हो जाए, माँ को बच्चे को, और क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्या सिजरियन ही होता है, ये सब आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विन्स या मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स, इसका क्या मतलब है, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, ऐसा है कि जब आपके पेट में अंडा निकलता है, लेडी का अंडा निकलता है और वो स्पर्म से मिलता है तो बच्चा बनता है। अब अगर ये एक जाइगोट जो एक छोटा सा बच्चा बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, अगर ये दो में डिवाइड हो गया, इसने अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया और ये दोनों जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो गए, तो ये बनते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी कि एक ही बच्चे ने अपने दो पार्ट कर लिए और दोनों आइडेंटिकल, दोनों का सेक्स भी सेम होगा, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे और दोनों की शक्लें भी एक जैसी होंगी, एंड दैट इज आइडेंटिकल ट्विन। अब ये जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, अब इनका मूड होता है, जैसे जैसे यूट्रस के अंदर घुसते हैं, या तो ये दो अपने अपने अलग अलग घर बना लेते हैं, जैसे दो भाई लड़के अपना घर बना लेते हैं, या फिर ये एक ही घर में घुस जाते हैं। अगर ये एक ही घर में घुसते हैं तो ये होता है मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, यानी कि एक ही सैक के अंदर पानी भी शेयर कर रहे हैं, आवल को भी शेयर कर रहे हैं, सब कुछ शेयर हो रहा है, एक ही घर के अंदर वो रह रहे हैं, यूट्रस के अंदर कोई पार्टीशन नहीं हुआ। अब इन दोनों को क्या प्रॉब्लम होती है, इन दोनों को प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही घर में जब ये रहते हैं तो इनके हाथ पैर आपस में इंटरट्वाइन हो सकते हैं, यानी कि ये आपस में लॉक हो सकते हैं, इनके जो ब्लड वेसल्स है, जो प्लासेंटा से आवल से जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो आपस में इंटरलॉक हो सकती है, आपस में एक्सचेंज हो सकती है, तो कहीं ना कोई एबनॉर्मलिटी इनमें हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट के समय इनको ज्यादा जगह नहीं मिल रही, कि आपस में ही एक साथ कई बार चिपक भी जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉन्जॉइंट ट्विन्स, कभी सिर से जुड़ गए, कभी थोरैक्स से जुड़ गए, कभी पेट से जुड़ गए, कभी पीछे बैक से जुड़ गए। तो मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन्स जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो कभी कभी अपना अलग घर ना बना के एक ही घर में घुस जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इनमें ही होती है। अब मान लो ये आइडेंटिकल ट्विन ने अपने आप को पहले तो डिवाइड करके, पहले तो ये दोनों यूट्रस में घुस गए, बट इन्होंने अपना अपना घर बना लिया, यानी कि अभी डाई एमनियोटिक हो गए, इनके दो सैक अलग अलग हो गए, है तो मोनोकोरियोनिक बट हो गए डाई एमनियोटिक, यानी कि घर अलग बन गए बट आवल एक ही रही। अगेन इनमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपस में लॉक नहीं होंगे, आपस में कोई इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक दीवार है, जिसकी वजह से इनके घर अलग है, लेकिन क्योंकि आवल सेम है, प्लासेंटा सेम है, तो आपस में जो ब्लड वेसल्स है वो आपस में कंफ्यूज हो सकते हैं, इधर का ब्लड इधर आ सकता है, इधर का ब्लड इधर आ सकता है, तो दोनों में अगर कम्युनिकेशन बन गया, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो वो बड़ा खतरनाक होता है दोनों बच्चों के लिए। एक बिल्कुल सूख जाता है जो ब्लड दे रहा है, और एक मोटा फूल के कुप्पा हो जाता है जिसको हाइड्रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लड ले रहा है। तो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक एंड मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स है, दोनों में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो हमारा दूसरा तीसरा वाला जो टाइप ऑफ ट्विन है, दैट इज डाई एमनियोटिक
डाइकोरियोनिक, यानी कि दो घर बीच में दीवार और आवल भी अलग अलग, तो बीच में जो दीवार है वो काफी मोटी है। यहाँ पर जो डाई एमनियोटिक बट मोनोकोरियोनिक था उसके बीच में सिर्फ एक एमनियन की मेम्ब्रेन थी, इसमें तीन मेम्ब्रेन है, कोरियोन भी आ रहा है दोनों तरफ से और एमनियन भी आ रहा है, तो दीवार मोटी, आपस में कोई इंटरट्वाइनिंग नहीं, आवल अलग, कोई आपस में ब्लड वेसल्स नहीं जुड़ रहे, तो ये सबसे सेफ ट्विन्स होते हैं। अब जरूरी नहीं कि नॉन आइडेंटिकल हो, ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक अंडे ने दो में डिवाइड कर लिया, यानी कि एक जायगोट ने दो में डिवाइड कर लिया, वो यूट्रस में घुसा, या तो एक ही घर में घुस गए, या थोड़ा सा एक पतली सी दीवार बना के डायएमनियोटिक बन गए, या और दूर चले गए, दोनों के आवल भी सेपरेट हो गई। है दोनों आइडेंटिकल क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोमल पूरे फैमिली से बने हैं, यानी कि पूरा एक जो जायगोट है उसमें जितने क्रोमोसोम्स थे उसी ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो आइडेंटिकल है, सेक्स सेम है, शक्लें एक जैसी है, पर घर दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से आपस के ड्रेन पाइप्स, आपस के जो ब्लड वेसल्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं डाई एमनियोटिक डाइकोरियोटिक। और जो दूसरी तरह का ट्विन होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन, यानी कि दो अंडे निकले, दोनों अंडों को दो स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो ये हो गए नॉन आइडेंटिकल ट्विन, ये हमेशा हमेशा डाई एमनियोटिक डाइकोरियोटिक होते हैं, इनका हमेशा आवल भी अलग होता है, घर भी अलग होता है। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, बट मान के चलो जब भी आपके डॉक्टर मोनो लिखेंगे ना, मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, यानी कि वो आइडेंटिकल ट्विन्स है, यानी कि इनके आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन है और प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लगातार सोनोग्राफीज करनी पड़ती है देखने के लिए कोई चीज इनके आपस में जुड़ तो नहीं गई, या तो बच्चे जुड़ गए, या आवल जुड़ गई, या ब्लड वेसल्स जुड़ गए, या ये आपस में लॉक हो गए। जहां वो डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक हुआ वो सबसे सेफ ट्विन्स है, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे वो नॉन आइडेंटिकल हो, और ये बात हमको पता चलती है डिलीवरी के बाद कि ये आइडेंटिकल थे कि नहीं थे। ठीक है, वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पता चलते हैं, या फिर आपने बहुत अर्ली सोनोग्राफी करा ली उसमें कई बार पता चल जाता है कि मोनो है कि डाई है। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्विन्स। अब आते हैं कारण क्या होते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल गया, कितने पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं मैडम मुझे ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है ये बता दो, मुझे कंसीव करना है, मुझे ट्विन्स ही चाहिए। अब ऐसे कैसे हो सकता है, आप अपनी बॉडी को डायरेक्शन कैसे दे सकते हो कि भैया दो अंडे निकालना, या फिर एक ही जायगोट जो बना उसको बोलो भाई तुम दो में डिवाइड हो जाना, क्योंकि आजकल सब चाहते हैं एक बार में दो बच्चे हो जाए खत्म, नौ महीने में फैमिली कंप्लीट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्विन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज आईवीएफ। आईवीएफ में क्योंकि आप इतना खर्चा करके एक्चुअली आर्टिफिशियली आप बच्चे को बनवा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में बनवा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो आपके पांच छह एम्ब्रियो या 10 एम्ब्रियो बना लेते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं और पेट के अंदर दो डालते हैं, पहले 3-4 डालते थे तो कई बार वो तीनों चारों बच्चे जिंदा हो जाते थे, तो उसको सेलेक्टिवली एक आध बच्चे को निकालना पड़ता था, उसके हार्ट में इंजेक्शन डाल के उसको एक तरह से उसको खत्म करनी, उसकी लाइफ खत्म करनी होती थी, क्योंकि उसको सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर पेट के अंदर चार बच्चे एक साथ पनपेंगे तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी। तो अभी जो लॉ आई है उसमें दो बच्चों से ज्यादा हम नहीं डालते हैं, तो आईवीएफ में अगर दो बच्चे डाल दिए दोनों जिंदा रह गए तो आपको ट्विन्स हो गए, अगर एक खत्म हो गया एक रह गया तो भी एक सिंगल प्रेगनेंसी बचती है। ठीक है, तो आईवीएफ इज द मेन कॉज फॉर ट्विन्स। बाकी जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, कुछ लंबी चौड़ी लेडीज होती है, अफ्रीकन लेडीज में बड़ा कॉमन है ट्विन प्रेगनेंसी, तो ये सारे रेशियल फैक्टर्स रहते हैं। अब आते हैं आपको प्रॉब्लम्स क्या होंगी। ये तो ऑब्वियसली बात है, दो बच्चे लेके आप घूमेंगे तो आपको वॉमिटिंग भी ज्यादा होगी, आपके सारे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स, नौजिया होना, आपको बैकएक होना, आपका पेट ज्यादा निकलेगा, आपका वेट गेन जो 11 से 15 किलो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, डबल नहीं भी होगा तो भी करीब 15 नहीं होगा तो 20 तक जाएगा, अगर आप एक सिंगल बच्चा कैरी करेंगी तो आपके शायद 15 किलो तक बढ़ेगा, आपने दो बच्चे कैरी करे तो 20 किलो तक बढ़ जाएगा, आपका पेट बड़ा दिखेगा, आपका पेट अगर 24 हफ्ते का होना चाहिए तो 28 हफ्ते का दिखेगा, अगर वो 12 हफ्ते का होना चाहिए तो 16 हफ्ते का दिखेगा, तो ये फर्क आता है क्योंकि ऑब्वियसली एक यूट्रस के अंदर दो दो बच्चे हैं। आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका यूट्रस बढ़ेगा आपका ये डायफ्राम ऊपर पुश होगा, सांस लेने में तकलीफ, गैस इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, बैकएक, सारी प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में होती है वो थोड़ी डेवलप हो जाएंगी। हॉर्मोन्स डबल हो गए आपके, आपका पेट डबल हो गया क्योंकि दो दो बच्चे डेवलप हो रहे हैं और दोनों बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि एक यूट्रस के अंदर कौन कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो कई बार साइज में फर्क आ जाता है, जो एक सिंगल प्रेगनेंसी का बच्चा है अगर वो 3-3.5 किलो तक जाता है तो डबल प्रेगनेंसी के बच्चे 3-3.5 किलो बहुत रेयर है। मैंने पैदा करे हुए एक दो पेशेंट्स मुझे याद है जिनके कि दोनों बच्चे 3-3.75 किलो के थे, बट देन शी हैड अ गुड हाइट, गुड हाइट की वजह से अच्छा खासा यूट्रस का भी साइज बढ़ जाता है, बट नॉर्मली ये बच्चे 2-2.5 किलो के बीच में होते हैं, इवन 9 मंथ्स पे भी अगर डिलीवरी हो रही तो भी 2-2.5 किलो से ऊपर नहीं जाते। अब आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, जो प्रेगनेंसी के प्रिकॉशन है वो तो रखने ही रखने हैं, साथ ही आपको पता है कि आप ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके प्रॉपरली जो वो कह रहे हैं उसको मानना है। जैसे कई बार लापरवाही कर जाते हैं, डॉक्टर ने 1 महीने में बुलाया, कोई बात नहीं 1.5 महीने में चले जाएंगे,
ट्विन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पेट में डबल बच्चा है, उसको एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, आपका ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी से नीचे आ सकता है, बहुत जल्दी से गिर सकता है, तो ब्लड टेस्ट ज्यादा होंगे, सोनोग्राफीज ज्यादा होंगी, डॉक्टर की विजिट्स ज्यादा होंगी, और एनोमली स्कैन जो डिटेल्ड स्कैन है जो कि आप कई बार मिस कर जाती है। अभी परसों भी एक पेशेंट आई थी, 6 महीने तक उसको घर वालों ने कहीं नहीं दिखाया कि आराम से दिखाएंगे डिलीवरी के टाइम पे, 6 मंथ्स पे कराया तो वो बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल था। अब 6 मंथ्स पे हमारी इंडिया में बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, अगर वो एबनॉर्मल बच्चा भी है, उसकी किडनीज उसका सब कुछ खराब था, अब वो बच्चे को 9 मंथ्स तक कैरी करना पड़ेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि एनोमली स्कैन बहुत जरूरी होता है, डिटेल स्कैन, और ट्विंस में तो मैंडेटरी है, दोनों बच्चों का सारा ऑर्गन चेक कराना बहुत जरूरी है। अब मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसको ऑब्वियसली सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स ज्यादा होंगे, बाद में डिलीवरी के समय उसको पोस्टमार्टम हैमरेज यानी कि ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ये चीज हम पीपीएच वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे पेट ज्यादा बड़ा होता है वैसे वैसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है और यूट्रस को वापस सिकुड़ने में टाइम लगता है, तो बड़ी आंवल ज्यादा ब्लड लॉस और यूट्रस सिकुड़ता नहीं है तो ज्यादा ब्लीडिंग। इसके अलावा आपको प्री एक्लैप्टिक टॉक्सीमिया यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो सकती है। प्री टर्म लेबर मैंने बताई दिया, टाइम से पहले बच्चा हो जाना, टाइम से पहले आपकी थैली फूट सकती है यानी कि उसको पीपीआरओएम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है। कभी कभी आंवल भी अपना जगह छोड़ देती है, क्योंकि जैसे ही बीपी हाई होता है या फिर जैसे ही बच्चेदानी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है दो बच्चों का, तो आंवल सडनली अपनी जगह छोड़ देती है, और इसको बोलते हैं एब्रप्शो प्लासेंटा, जो कि एक इमीडिएटली यू कैन सी इमरजेंसी कंडीशन होती है, हाथों हाथ अगर बच्चे को नहीं निकाला तो बच्चे की डेथ हो सकती है। और साथ में मदर अगर ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही है तो चांसेस ऑफ ऑपरेशन, चांसेस ऑफ फोरसेप्स डिलीवरी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑपरेशंस क्यों ज्यादा होते हैं, अगर पहला बच्चा सीधा नहीं है यानी कि हेड डाउन नहीं है तो ब्रीच बच्चे को डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है। पहला बच्चा अगर सीधा है और पीछे वाला बच्चा अगर उल्टा भी है तो डिलीवर करना इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने कई बार इस तरह से बच्चों को डिलीवर किया कि पहला वाला सीधा आ रहा था और जैसे ही सीधा वाला निकल गया पहले वाला, सेकंड वाले ने अपने आप अपनी पोजीशन चेंज करके सीधा हो गया। नहीं भी सीधा होता तो उसको हम ब्रीच निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकंड बच्चा जनरली छोटा होता है वेट में। ठीक है, तो मान के चलिए सिजेरियन तब होता है जब पहला बच्चा सीधा नहीं होता है, चाहे वो उल्टा हो चाहे वो आड़ा हो, तब ऑपरेशन ही होगा। सेकेंड बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फर्स्ट बच्चा निकलने के बाद सेकेंड बच्चा कभी कभी फंस जाता है, तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है कितनी देर वेट कर सकते हैं। अगर बच्चा नहीं निकल पा रहा है तो फिर डॉक्टर ज्यादा वेट नहीं करते हैं और हाथों हाथ सिजर कर सकते हैं। बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चों में जो मैंने आपको बताया जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, अगर वो एक ही घर में है तो उनके आपस के ब्लड वेसल्स मिल सकते हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑर्गन्स जुड़ गए तो बाद में ऑपरेशन के समय बच्चों की डेथ हो सकती है, आपको सब कुछ पता है। अगर इनके ब्लड वेसल्स जुड़ गए जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स में होते हैं, जो कि आंवल को शेयर कर रहे हैं, एक ही आंवल है, तो उसको बोलते हैं TTTS यानी कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जो कि बहुत खतरनाक होता है। एक बच्चा बिल्कुल मोटा फूल के प्लिथोरिक हो जाता है और दूसरा वाला एकदम शिवल अप हो जाता है, तो ऐसे केस में जो उनका कम्युनिकेशन है उसको डॉपलर के थ्रू लेजर के थ्रू अंदर ही अंदर काटना पड़ता है, जिससे वो आपस में कम्युनिकेट ना करे और दोनों जी जाए। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डिटेल स्कैन में एनोमली स्कैन में दिख जाती हैं, जैसे कई बार पेट ठीक से नहीं बनना, आते सारी बाहर आ जाना, ये कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है जो ट्विन्स में ज्यादा देखी गई है, या फिर स्पाइनल डिफेक्ट्स होते हैं, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे एक ही घर के अंदर है तो आपस में भी एंटेंगल हो जाते हैं, कभी कभी उनकी आंवल की जो कॉर्ड होती है, जो नाल होती है, वो भी एंटेंगल कर जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ट्विन प्रेगनेंसी में जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, तो इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी को हमेशा एक स्टार से रेड कलर में लिखा जाता है कि हाँ ये थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और मदर और इवन घर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ट्विन प्रेगनेंसी है तो हमको टाइमली हॉस्पिटल जाना है और टाइमली डॉक्टर को दिखाना है। तो सब कुछ अगर सही चलता है तो ट्विन प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हो जाती है, चाहे वो इलेक्टिव सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, और सब कुछ अगर अच्छे से हो जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी कोई हवा नहीं है। कभी कभी किसी किसी केस में मैं एंड में मेंशन करना चाहती हूँ कि एक बच्चे की कभी कभी डेथ हो जाती है, तो अगर ये दोनों बच्चे अलग अलग घर में है तो एक बच्चा जो डेड है वो दूसरे बच्चे को इफेक्ट नहीं करता है। अगर दोनों बच्चे एक ही घर में है, मोनो एमनियोटिक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे बच्चे को। अब क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस मंथ का, तो हम इस मंथ की एक्टिविटी करेंगे। मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि इस महीने के जितने वीडियो है उससे रिलेटेड है, तो आपको वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे। वीडियो का नाम नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इनका आंसर लिखिए, मुझे गूगल फॉर्म भर के भेजिए, गूगल शीट भरेंगे, आंसर लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, तो नेक्स्ट मंथ हम डिक्लेयर करेंगे विनर और हमारी तरफ से आएगा एक गिफ्ट हैम्पर। तो ये है क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।